मेरी बहन को जनाजा रखियो तो वो तो आज हमारा भी जनाजा निकले। आप भी तैयार हो जाइए कीजिए हमारे, अगर हमारी बहन को आप नहीं बचा सके आपके लोगों ने साथ में होके नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दर्द में सनी हुई जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे लिखना और उसे कहना यातना की एक ऐसी गली से गुजरता है जो बार बार आपके और हमारे साहस का इम्तिहान लेती है। लेकिन कई कहानियां कहनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, क्योंकि ये कहानियां आपसे सब समाज का वाशिंदा होने का गुरूर छीन लेती हैं। नर्क की ये कहानी धरती के स्वर्ग की है, जिसकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने लाखों सिपाहियों को तैनात कर रखा है। इसके बावजूद इस धरती के स्वर्ग पर हत्याएं, बलात्कार, लूट, चोरी आम बात हो चली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारूद बेहतर नागरिक बनाने की गारंटी है? 8 साल की मासूम जिसके साथ हैवानियत का ऐसा घिनौना अपराध हुआ, जिससे बयां करने में जुबान लड़खड़ा रही है। मगर जरा देखिए इस बेटी के पिता को, जिसने कराहती आवाज में हवस के उन दरिंदों से कुछ पूछा। अगर उन्हें बदला ही लेना था तो वो किसी और से ले सकते थे। वो तो एक मासूम बच्ची थी, उसे अपने हाथ और पांव का अंतर नहीं पता था कि मेरा दाया हाथ कौन सा है और बाया हाथ कौन सा है। बहुत हिम्मत करके पढ़िएगा ये शब्द, ये किसी आम बाप का कहा नहीं है, ये उस 8 साल की बच्ची के पिता ने कहा है, जिसको गैंगरेप के बाद मारकर फेंक दिया गया। बस इसलिए कि वो एक खास धर्म और खास बिरादरी से थी, ये बात चार्जशीट में कही गई है। घाटी में सर्दियों का मौसम खत्म हो गया है, हर साल की तरह गर्मियां आते ही बकरवाल बिरादरी अपनी भेड़ें लेकर ऊपर पहाड़ों पर चली जाती है। मगर ये साल बाकी सालों सा नहीं है। उनकी 8 बरस की बच्ची के साथ हुई हैवानियत चंद लोगों के अलावा पूरे मुल्क का कलेजा मथ रही है। जो सुनता है से हर जाता है, लेकिन हमारे संवेदनहीन सिस्टम की पोल खुलने लगी। सत्ता पर बैठे ठेकेदारों ने सरकार बचाने के लिए कुछ इस तरह से अपनी सफाई पेश की। भाजपा की वर्किंग कमेटी जम्मू कश्मीर की इकाई ने दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव विगत 1 अप्रैल को ही राज्य भाजपा की कार्यकारिणी में बैठक में प्रस्तावित किया गया और पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि इस तरह की घटनाएं मानवता के नाम पर कलंक हैं और हम इस तरह की घटनाओं को धार्मिक रंग देने की कड़ी निंदा करते हैं। ये प्रस्ताव है, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये प्रस्ताव पढ़ने को नहीं मिला। साथ ही कल हमारा अनशन था, उस अनशन में भी मुझे ये प्रतीत हुआ कि अनशन चल रहा है जो कि लोकतांत्रिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था, केंद्र सरकार के काम से जुड़ा हुआ था, संसद की कार्रवाई से जुड़ा हुआ था, लेकिन बार बार मीडिया के मेरे बंधु जो हैं वो कठुआ और उन्नाव की ही बात कर रहे थे। और कठुआ और उन्नाव को लेकर मैंने मंच से भाषण किया है और उस मंच के भाषण के माध्यम से मैंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता होते हुए, पार्टी की प्रवक्ता होते हुए, हम किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति के साथ और खास तौर पे महिला या बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके साथ अगर कोई भी इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो उनको पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये YouTube पर भी है, नेट पर भी है, बावजूद उसके कहीं पर ये बयान नहीं छपा है। तो आज आप लोगों के माध्यम से इस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ कि जिस तरीके का एक वातावरण देश में बनाने की कोशिश है, देश हम सबका है और हमारे इस देश में हम सबको जिम्मेवारी से अपने जो कदम है वो रखने हैं, अपराधी कोई छूट ना जाए और माहौल में कोई खराबी पैदा ना हो, इसकी हमें कोशिश करनी है।
8 साल की मासूम के साथ जब इंसानियत के दुश्मनों ने ये दुष्कर्म किया तो कारगिल से लेकर कठुआ तक घाटी सिसक उठी, सिसक उठा धरती का स्वर्ग, कांप उठी इंसानियत। आखिर किसके कलेजे में इतनी हिम्मत है जो बता दे कि किस गुनाह में रौंदा गया 8 बरस की बच्ची को, वो भी मंदिर के गर्भगृह में 4 से 5 लोगों ने। कुछ घोड़े कुछ भेड़े कुछ कुत्ते 8 बरस की मासूम के बेजुबान दोस्त चीख चीख कर लालटें दे रहे हैं। हमारी तुम्हारी सभ्यता पर हजारों लाखों सालों में यहीं पहुंचना था तुमको, तो हमसे अपनी दुनिया बदल क्यों नहीं लेते। आसपा परिवार में सबसे छोटी थी, 2 भाइयों की अकेली बहन, एक भाई 11वीं में पढ़ता है, दूसरी 6ठी में। आसपा इनकी अपनी बेटी नहीं थी, मगर गोद लिया था उसको। जब वो बस 1 साल की थी, आसपा के माँ बाप के 2 बच्चे एक हादसे में गुजर गए थे। इस सदमे में टूटे आसपा के अब्बू ने अपनी बहन से ये बच्ची गोद ली, वो बच्ची भी अब नहीं रही। ये 2 परिवारों के लिए सदमे वाला है, जिन्होंने पैदा किया और जिन्होंने पाला। जब परिवार के मर्द भेड़ चराने ऊपर पहाड़ पर चले जाते, तब आसपा और उसकी माँ गांव में अकेले रहते। वो छोटी सी बच्ची माँ का हाथ बटाती, उसे जानवरों से बहुत मोहब्बत थी, घर के घोड़ों से, भेड़ के 2 नए पैदा हुए मेमनों से, एक कुत्ता भी था जिसको आसपा रोज खाना खिलाती थी। परिवार के पास अब बस यादें बची हैं। अब उन्हें याद है कि आसपा आखिरी बार कब घर से बाहर निकली थी। वो जनवरी का महीना था, नए साल का पहला हफ्ता। आसपा अपनी माँ के साथ साबा गई थी एक रिश्तेदार की शादी में, पहनने के लिए नए कपड़े सिलवाने थे। 14 जनवरी को शादी होनी थी, 10 जनवरी को आसपा गुम हो गई, 17 जनवरी को उसकी लाश मिली। लाश मिलने से पहले ही दर्जी ने नए कपड़े सिलकर दे दिए थे, आसपा अपने नए कपड़े भी नहीं देख पाई। आसपा की माँ ने उसके लिए कुछ सोचा था कि इस साल गर्मियों में उसका दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में करवाएंगी। उसकी माँ ने कहा, हमने ये नहीं सोचा था कि हम अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे या फिर टीचर बनाएंगे, हमने तो ये सोचा था कि पढ़ लिख जाएगी तो अपने को देख लेगी, अपना वक्त गुजार लेगी, रहने का तरीका आ जाएगा, खूबसूरत थी, अच्छे घर में चली जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उसे शैतानों के हाथों खो देंगे। धरती के स्वर्ग में इंसानियत शर्मसार हो गई। इधर दिल्ली के सियासत के ठेकेदारों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए जुबानी जंग चल रही थी। केंद्र की सत्ता का मौन व्रत था, मगर चुप्पी खुली तो फिर से सियासत शुरू हो गई। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। इस आखिरी लाइन के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती तो हमने हर इंसान के दिमाग में इसे गोद दिया होता। हम पैदा होते हैं तो बस इंसान होते हैं, जाति धर्म भाषा सब बात की बात है। इनको ना मानने पर भी जीवन आराम से कट जाएगा, लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या बचेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब मारी बहन को जनाजा रखियो तो ताज मारा भी जनाजा निकले, आप भी तैयार हो जाइए कीजिए हमारे। अगर हमारी बहन को आप नहीं बचा सके, आपके लोगों ने साथ में होकर रहता।